हाय गाइस, व्हाट्सअप दिस सुवो बटर चैनल सुवो टीवी। गाइस, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करने से क्या होगा, मैं जो भी फिर नोटिफिकेशन पर चला जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। तो फिर चले दो, तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, 11 अक्टूबर से 2018 में शाम के 7:18:44 से लेकर 5 नवंबर 2019 तक देव गुरु बृहस्पति तुला राशि छोड़कर स्कॉर्पियो राशि पर आने वाले हैं। इस समय हम लोगों को क्या बेनिफिट और नेगेटिव इफेक्ट आएगा, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एजुकेशन, मनी, मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ, बच्चे, हैप्पीनेस, परोपकार, नाम सम्मान, रिस्पेक्ट, धर्म कर्म, राजनीतिक, कंपनी का सीईओ, अच्छे पोजीशन में जाना लाइफ पे, ये सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ प्रोवाइड करता है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु का बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करने वाला है, इसी ऊपर हमें लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 2019 में 10 अप्रैल लेकर 10 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति बरकरार रखने वाले हैं और 11 अगस्त से लेकर 5 नवंबर तक मरकरी रखने वाले हैं। तो इस समय भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये आपके चंद्र कुंडली तक आधारित है। दोस्तों, अगर आपकी सिंह राशि है, मतलब चंद्र राशि सिंह राशि, तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले जान लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस को और 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, 5th हाउस क्या है दोस्तों? सबसे पहले 5th हाउस संतान और संतान से रिलेटेड सुख का घर, एडुकेशन का घर, एंटरटेनमेंट का घर, लॉटरी से मिलने का बेनिफिट, लव अफेयर का घर होता है। और दोस्तों, ये 8th हाउस होता है कॉमन सेंस का घर, आयु का घर, अकाल मृत्यु का घर, गुप्तताओं का घर, अकल साइंस का घर, ये सबको 8th हाउस कहलाता है। दोस्तों, हम लोग 8th हाउस से लिए बेनिफिट। तब देवगुरु बेसिकली तुला राशि छोड़ कर अब मेरे स्कॉर्पियो राशि पर आने वाला है, तो आपको क्या फ़ायदा मिला है? सबसे पहले एक केंद्र में विराजमान होंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 13 महीने बहुत ज़्यादा फायदा क्या? लेकिन सबसे पहले जब देवगुरु बृहस्पति आपके स्कॉर्पियो राशि पर आएंगे, तब माता से रिलेटेड थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम होगी, किंतु साल में जाते जाते आपको वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भूमि वाहन रिलेटेड अगर कोई फिक्स एसेट खरीद, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं ऐसा कोई फिक्स एसेट, तो इससे रिलेटेड शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जाते जाते ठीक होने लगेगा। अगर आप लोग इस समय फिजूल खर्ची बंद करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब बृहस्पति की आपके 5th हाउस 5वीं दृष्टि 8th हाउस से पड़ेगी, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? दोस्तों, इस समय आपका कॉमन सेंस वृद्धि होगा। आप अगर आपको बुरा समझ लगे, आपको पूरा फे में बन लगे, बाल सफेद होने लगे, तो इस समय आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आयु बनने लगेगा, दूसरे आपको मदद करना बंद करें, दूसरे मदद लेना आप बंद करेंगे, दूसरों को आप मदद करेंगे, इस समय आपको खुद के कॉन्फिडेंस स्मार्टनेस आएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा लाभ इस समय, जिसके कारण इस जो बीमारी है, बीमारी भी दूर होने लगेगा। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्यों? बृहस्पति के साथ इसलिए आपके जाएगी 10वीं हाउस में, जो नंबर 2 लिखा होगा दोस्तों। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? जब बृहस्पति की 10वीं दृष्टि जाएगी, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की वजह से प्रोमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब बदलना, ट्रांसफ़र होना अच्छी जगह, सैलरी बनना, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप अगर इस समय और जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें बहुत बढ़िया समय होगा, लेकिन फिजिकली मेंटली उस जॉब पर रहना आपके चाहिए, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जॉब में इस समय। और सबसे पहले जो 9वीं दृष्टि जाएगी जुपिटर की, वो अपने उच्च राशि पर जाएगी, जो सबसे बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। जब 12th हाउस में जाएगी आपकी दृष्टि, उससे बेनिफिट जो होगा दोस्तों, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम में आपको बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो विदेश में सेटल होना, विदेश से लेकर एडुकेशन पे जाना, विदेश से कोई बेनिफिट आना, विदेश घूमने जाना, विदेश में रहना, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। जैसे मैंने कहा, साल में जाते जाते अगर कोई फिक्स एसेट खरीदना चाहते हैं,
तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि इसमें खर्चे बढ़ेगा तो खर्चे अगर सही समय पर सही जगह करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय लोन शेयर मार्केट पे, फॉरेन मार्केट पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई जेल जाता नहीं या फिर कोर्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इस समय भी सॉल्व होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। माता भूमि बहन का भी इस समय फ़ायदा होगा, क्योंकि साल में जाते जाते सही होने लगेगा, तो आपके लिए इस समय बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि केंद्र में विराजमान होकर आपके पर्सनैलिटी को सही करेंगे, आपको प्रोफेशन को सही करेंगे, आप फिक्स एसेसमेंट लेना सही करेंगे, इंफ्लेंस काम बढ़ाएंगे, आप विदेश सेटल हो पाएंगे। लेकिन कब होगा, अगर इस समय प्लानिंग करेंगे, अगर सही से प्लानिंग कर लेंगे इस महीने का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों मैं कुछ समय बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव आएगा। जो सबसे पहले जो पॉजिटिव समय आएगा, 1 जनवरी 2019 से 29 जनवरी 2019 तक, जब शुक्र और जुपिटर की युति होगी, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। दोस्तों नेगेटिव समय जो रहेगा दोस्तों, 26 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 में जुपिटर और मार्कर की युति होने वाली, जो आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक होगी। दोस्तों 29 मार्च 2019 23 अप्रैल 2019 में जुपिटर केतु और सैटर्न की युति होने वाली, जो आपके लिए नेगेटिव फल लाएगी, तो इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 अप्रैल 2019 पे लेकर 10 अगस्त 2019 पे जुपिटर मार्गिंग होने वाले, जो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, और कुल मिलकर बाकी के सारे समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर इस समय आप अपना इस जुपिटर के और भी अच्छे प्रभाव लेना चाहें तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए अगर जुपिटर आपकी कुंडली राशि जो पास चार्ट है उसमें 1 से 10 डिग्री है, तो आखिर में 8 महीने आपको बेनिफिट देगा। अगर 10 से लेकर 20 डिग्री है तो आखिर के 4 महीने, अगर 20 से लेकर 30 डिग्री है तो आखिर में जाते जाते आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस जुपिटर के वाइब्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, अगर जुपिटर आपके ओरिजिनल चार्ट में अच्छी जगह प्लेस है, एस्ट्रो ज्योतिष के पास जाके अपना चार्ट दिखा लीजिए और एक रत्न पहन लीजिए, जो आपके लिए इस समय बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, अगर बुरी जगह प्लेस है तो क्या करना है, इस वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, इसके अच्छे प्रभाव को लाने के लिए दोस्तों बहुत आसान है, विष्णु सहित के नाम का जाप कीजिए, विष्णुदेव का पूजा कीजिए, केले के विष का पूजा कीजिए, केले के पानी चढ़ाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एडुकेशन रिलेटेड चीज़ें दान के, चाहे हो कपड़े हो, चाहे कुछ चीज़ हो, 7 से 9 साल का बच्चे बालिकाओं को आप लोग केसर का केसर से रिलेटेड खीर बना के खिलाए, जो बहुत बढ़िया होगा। बच्चों का सेवा कीजिए, पढ़ाई में हेल्प कीजिए दूसरों का, तो इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना आप भूलना, आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, और मेरे ब्लॉग पर भी आप लोग जा सकते हैं, लिंक दे दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।